नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक पत्र आज नजर में आया, पत्र चुनाव आयोग को लिखा था। पत्र लिखने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र में कौन है ये जनता जनार्दन ने बता दिया। अजित पवार का तंबू उखड़ गया, अब जो कुछ है महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी में शरद ही शरद है। शिवसेना भी महाराष्ट्र में यही हुआ, एकनाथ शिंदे का तंबू उखड़ गया। जो कुछ भी शिवसेना महाराष्ट्र में शिवसेना है वो उद्धव ही उद्धव है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो दोनों पार्टियों के नाम अलग हैं। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार, इन्होंने एक पत्र लिखा चुनाव आयोग को, और ये चुनाव आयोग को उनका लिखा हुआ इसी विषय पे दूसरा पत्र है। वो पत्र ये कहता है कि आपने हमारी पार्टी स्प्लिट होने के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी तो अजित पवार गुट को देकर उन्हें असली राष्ट्रवादी कांग्रेस बताया और हमें नया नाम दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार, और हमें नया सिंबल मिला जो तुतारी थी, और वो तुतारी हमने इसलिए एक्सेप्ट की क्योंकि महाराष्ट्र में तुतारी एक मंगल वाद्य है, एक तुतारी बजाता हुआ इंसान, वो उनका चुनाव चिन्ह था। लेकिन चुनाव जब घोषित हुए, और बहुत सारे जगह पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ते हैं, तो जब उनको जो सिंबल मिलते हैं उस सिंबल की फेरिस्त में लिस्ट में एक सिंबल और था, पिपाणी। तुतारी और पिपाणी में दिखने में भले ही साम्य न हो लेकिन दोनों ही बजाने के प्रकार है। इस वजह से इस बार महाराष्ट्र में शरद पवार जी के पार्टी का क्लेम है कि लाखों मत जहां जहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पिपाणी चिन्ह दिया गया, लाखों वोट उनको मिले, वो वोट हमारे थे, वो मत जो था वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का था, वो तुतारी पे जाना था लेकिन वो पिपाणी पे चला गया। कई जगह हमारा मताधिक्य जो था, जो अच्छा खासा हमको लीड मिला था, वो कम मिला, लेकिन एक जगह तो बाकायदा यदि चुनाव आयोग ने ये चाल और ये षड्यंत्र डिजाइन किया होगा तो एक जगह वो सफलता मिली, और वो सफलता मिली सातारा में, सातारा छत्रपति शिवाजी महाराज की गद्दी। और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे उदय राजे भोसले, छत्रपति शिवाजी महाराज की वंशज, उनके सामने शशिकांत शिंदे शरद पवार की पार्टी की तरफ से खड़े थे। उदय राजे पिछली बार भी 2019 में चुनाव लड़े थे और तब भी शरद पवार के पार्टी के ही उम्मीदवार ने उनको हराया था। इस बार भी शरद पवार जी इस बात में आश्वस्त थे कि सातारा उनका गढ़ है, भले ही छत्रपति के वंश चुनाव लड़ते हो वहां से हार ना मुश्किल, लेकिन जब नतीजे आए तो उदय राजे भोसले मात्र 32,771 मतों से हारे। उदय राजे भोसले को 5,71,134 मत प्राप्त हुए और शशिकांत शिंदे को 5,38,363। ये जो संजय गाड़े करके एक इंडिपेंडेंट खड़ा था, वैसा देखा जाए तो गाड़ी की जो इमेज है और गाड़ी को लोग जितने जानते हैं उनको 1,000 वोट भी मिले तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन गाड़े को मिली जो चुनाव चिन्ह था पिपाणी, और उस कंफ्यूजन में 37,062 वोट गाड़े ले गए और 32,000 से शशिकांत शिंदे हार गए, उदय राजे जीत गए। यदि संजय गाड़े को पिपाणी नहीं होती तो उस 37,000 में से कम 35,000 वोट तो शिंदे को थे और शिंदे चुनाव जीत जाते। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने उदाहरण दिए। एक है बीड कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसपे पूरे प्रदेश की नजर लगी हुई थी, सातारे जैसी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी चुनाव लड़ रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के संगठन में थी, मुख्यमंत्री की दावेदार हुआ करती थी, एक जमाने में बड़ी कैबिनेट मंत्री थी। पंकजा मुंडे के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस के
बजरंग सोनवने खड़े थे। और लग रहा था कि मराठवाड़ा में, हमने न्यूज लॉन्चर पे भी कहा था कि शायद मराठवाड़ा में एक हाथ सीट यदि आ गई बीजेपी को तो वो बीड़ की होगी, लेकिन वहां बजरंग सोनव ने 6553 वोट से जीत गए। ये 6553 50,000 भी हो सकते थे, लेकिन अशोक हिंगे नाम के एक इंडिपेंडेंट जिसका वाकई कोई बड़ा वजूद नहीं था, उसने 50,000 वोट लिए, और मात्र इसलिए कि उसको पिपाणी करके सिंबल मिला था, जो कंफ्यूजन में राष्ट्रवादी का वोट उधर गया, ऐसा क्लेम वो करते हैं। अब आते एक दूसरे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी बारामती। बारामती में स्वयं शरद पवार की पुत्री सुप्रिया लड़ रही थी। लग रहा था कि भाई बहन के आड़े हाथ नहीं आएगा, लेकिन जब सत्ता का लालच आ जाता है और सत्ता के लिए जब आदमी लड़ता है तो फिर वैयक्तिक संबंध भी तार तार हो जाते हैं, और अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपने ही बहन के सामने उतार दिया, ननद और भाभी आमने सामने। सबको लग रहा था कि अजित पवार ने जिस हिसाब से ताकत झोंकी, जिस हिसाब से पैसा झोंका, ये चुनाव बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सुप्रिया ने 1,58,333 मतों से चुनाव जीत लिया। लेकिन यहां फिर पिपाणी का सिंबल लेके एक इंडिपेंडेंट खड़ा था, शेख यूनुस हसन, और उसे 14,917 वोट मिले, जिसको 917 की भी उपेक्षा नहीं थी। ये भी वोट कंफ्यूजन में राष्ट्रवादी का वहां गया, नहीं तो ये लीड और ज्यादा होता। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां धैर्यशील पाटिल चुनाव जीते एनसीपी के, निंबाड़कर के सामने बीजेपी के, 1,20,837 वोटों से वो जीते, लेकिन वहां पे रामचंद्र घाटुकोड़े थे जिन्हें करीब करीब 38,421 वोट मिले, जिन्हें 421 वोट नहीं मिलना था वहां 38,000 वोट मिलते हैं, वो भी पिपाणी का और तुतारी का कन्फ्यूजन था। आगे अहमदनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कई पीढ़ियों का बैर पवार परिवार और वीके परिवार में। इस बार फिर वीके के सुपुत्र, जिनको टिकट देने के लिए 2019 में वीके पाटिल पूरा कुंभक बीजेपी में चला गया, सुजय वीके पाटिल, एक बहुत ही छोटे ऑर्डिनरी इंसान, ऑर्डिनरी इसलिए कहता हूं मैं, भले ही वो विधायक हो लेकिन वो आज भी उसी ग्रामीण परिवेश में आते हैं, नीलेश लंके, वो 28,929 वोटों से जीते। ये जो गैप है 28,000, ये बढ़ सकता था, 60,000 हो सकता था, लेकिन वहां दशरथ अकेलकर आलेकर करके एक उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट, उनको पिपाणी मिली थी, उन्होंने 44,597 वोट लिए। हालांकि अहमदनगर का मामला सुजय विखे पाटिल ने 18 लाख रुपए इलेक्शन कमीशन में जमा करके फिर से उन मशीनों को चेक करके रिकाउंटिंग बोला है। शिरूर, महाराष्ट्र के मराठी एक्टर जो छत्रपति संभाजी रोल के लिए जाने जाते हैं, जिनका पार्लियामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस, जब वो बोलते हैं तो समा बांध देते हैं, वो अमोल कोल्हे शरद पवार के पार्टी से थे, सामने अढ़ल राव पाटिल थे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार की तरफ से थे। अजित पवार ने इस सीट को बहुत इज्जत की सीट मानी थी। वहां अमोल कोल्हे 1,40,951 वोट से जीते हैं, लेकिन वहां पे मनोहर वाड़ेकर करके एक इंडिपेंडेंट थे, वो 28,330 वोट ले गया, क्योंकि उसके पास पिपाणी थी, राष्ट्रवादी का वोट उधर भी शिफ्ट हो गया। उसके बाद ढिंडोरी, ढिंडोरी में बड़ा अजूबा हुआ। भास्कर कांगारे एनसीपी के, उनके खिलाफ भारती पवार बीजेपी की, भारती पवार 1,13,199 वोट से हार गई, 1 लाख से ज्यादा। लेकिन वहां पे पिपाणी चिन्ह लेके जो उम्मीदवार थे वो थे बाबू भांगरे। अब यहां नाम भी कॉमन था, भास्कर भांगरे, बाबू भांगरे, और सिंबल भी कंफ्यूजन था, उसके चलते इंडिपेंडेंट बाबू भांगरे ने 1,03,632 वोट लिए। शरद पवार जी का कहना यह था कि चुनाव आयोग को हमने पहले भी चुनाव में जब सिंबल आवंटन हुआ
तब कहा था कि पिपाणी और तुतारी से बहुत कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग जैसा कि सारा देश जानता है सुनता है कि आका की है, ये भी पत्र उठा के उन्होंने फेंक दिया। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव सामने हैं, पिपाणी और तुतारी में क्या खेल होता है ये अब सबको समझ में आ गया है। तो इस बार हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पिपाणी उतरेगी, भाजपा प्रयास करेगी, लेकिन उससे पहले ही सावध होकर शरद पवार जी ने कहा कि ये पिपाणी रद्द करिए, और यदि हमारे इस पत्र को आपने सीरियसली नहीं लिया, रद्द नहीं किया, तो हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना होगा। आयोग कैसा खेल कर सकता है और कैसे कैसे चुनाव में हथकंडे अपनाए जाते हैं, इसके नए नए आयाम आने वाले समय में भी आपके सामने आते रहेंगे। जब एक्सरे के नीचे से मैंने ये पत्र देखा तो जो मैंने देखा वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।